दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर आया सूर्य कुमार यादव का तूफान। मैच जितनी गेंदों में ठोक डाले 300 रन और सभी क्रिकेटरों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं सूर्या की बैंकर बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, जबकि बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 390 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया भारतीय टीम के सामने 3 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा लिट्टन दास ने 250 रन लगाए, तो वही मुस्तफिजुर रहमान ने 75 रन लगाए, तो वहीं आफिफ हुसैन ने 59 रन का योगदान दिया, जबकि भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल और रोहित शर्मा को 20 रन के स्कोर पर ही तस्कीन अहमद ने क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली भी 45 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे सूर्य कुमार यादव, जबकि सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परकच्चे से उड़ा कर रख दिए और मैच 95 गेंदों का सामना करने के बाद 300 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसमें 25 छक्के और 10 चौके भी शामिल थे। तो वहीं पांचवे नंबर पर ऋषभ पंत ने भी 35 रन का योगदान दिया और इस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम को अकेले दम पर यह मुकाबला जिता दिया। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या भारतीय टीम ओडीआई सीरीज को जीत पाएगी बांग्लादेश के खिलाफ या फिर नहीं।